बैक टू आई यूट्यूब चैनल बैक टू पार्ट्स। सो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी हम घर का काम वाम करके नाश्ता वास्ता बना के इनको ऑफिस भेज दिया है हमने, और ये लाला का काम यहाँ चल रहा है, और मैं और लाला जा रहे हैं अभी सुचेता गोल्डन के घर। तो चलते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या क्या तैयारी कर रखी है। आज उन्होंने इन्वाइट किया था ब्रेकफास्ट के लिए, तो चल जा रहे थे। जाते जाते हमें नीतू और दिख गए बाहर, ये भी कहीं जाने के लिए रेडी हो रखे। अच्छा हुआ हम इनके घर नहीं आए, क्योंकि इनके घर आते तो हमें सरप्राइज मिल जाता अभी। हेलो गाइस, और यहाँ पर इन्होंने धीरसन ताला लगा दिया है। हरीसन का ताला जो होता है, बोले यहाँ इनका हरीसन वाला ताला लग गया है, और जाने की हो गई है इनकी तैयारी। ये भी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो तुम? हम तो वहाँ कोर्ट जा रहे हैं कुछ काम, पेंशन के लिए मम्मी। अच्छा, ये कोई काम के लिए कोर्ट जा रहे हैं। लोग आएंगे जाएंगे, कौन आ जाते सबके। और ये देखो इन्होंने पता नहीं क्या मंगवा लिया है, गाड़ी का चार्जर। और इसमें क्या है? स्पीकर। ये कौन सी गाड़ी की? सन्नी के कंप्यूटर है, तीन वाली। ओके। वो भी शायद। ये देखो, मतलब घर के अंदर सामान नहीं पहुंचा, रोड में अनबॉक्सिंग कर दी गई है इसकी। इतनी इन्हें इतनी जल्दी। ये हमारे कैनू है। अच्छा, मुझे किसी को अच्छा, ये पहले बैठ गया क्या? कहाँ है? और ये डुगू को देखो, इसकी तबीयत खराब है, इसलिए ये इसलिए स्कूल नहीं गया, और यहाँ पर झूला झूल रहा है। ये देखो डुगू तबीयत खराब है, लग तो नहीं रहा देख के, स्कूल के छुट्टे पापा पे जा रहे हैं, बहुत पापा पे जा रहे हैं बिल्कुल। तो गाइस हम पहुँच गए हैं, अब ऊपर जाना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि यहाँ पर लिफ्ट नहीं चल रही है, और हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। 11 नंबर की गाड़ी हमें यूज़ करनी पड़ेगी। 11 नंबर की गाड़ी से हमने अपना पूरा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँच गए। वेलकम। 11 नंबर की बैंड बज गई है, पता है तुम्हें? 11 नंबर की बैंड बज गई है। मैं समझ नहीं रहा 11 नंबर। सही है भाई, मुझे तो अच्छा लगता है। यहाँ चल रहा है अभी काम धाम, बस कभी कभार बस बन ही गया है सारा, पकौड़े निकालने बस। चाय रेडी है, नमकीन रेडी है, और यहाँ पकौड़े की तैयारी चल रही है। हमको ये बोल के बुलाया गया था कि मैं अपने हाथ के पकौड़े खिलाऊंगा, यहाँ पर अभी बेसन में अभी नमक वो डाला ही जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है अभी, और ये यहाँ खड़े हैं जो हमें खिलाने वाले थे अपने हाथ का। अरे मेरे हाथ का ही बन रहा है, उसके साथ थोड़ा फिनिशर दे ले। ये ना कैसे करता है ये? नहीं नहीं, अरे यार मैं जिससे बात, ये कैसा हाथ है? ये देखो हाथ बाहर है और हाथ का अंदर बन रहा है। गैस चलाने जल्दी से यार, नहीं इसे काट, इसे काट दे। ठीक है, अभी भी देखो इनको, बीच में देख कितनी तेजी आएगी, देखिए यार इतनी गर्मी हो रही है, इतनी देर से आए हैं, पानी भी कोई नहीं पूछ रहा यार। क्या यार, मतलब हद हो गई, हम बाहर चले गए बात करने। कैमरे के आगे अलग ही होता है गोल्डन, पता है सुचेता? अरे मैंने सारी सारी तैयारी कर ली थी, सारी तैयारी कर ली थी। तैयारी तो मेरे को सुचेता ही करती है, दिख रही है अभी नहीं, अरे सुचेता नहीं कर यार, सब कुछ कैमरे में आ रहा है क्या? गोल्डन ने कुछ ज्यादा ही वो कर दिया है यहाँ पर पानी के साथ। ये देखो गोल्डन के हाथ के रसगुल्ले, क्या बात है, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। और ये बनाए हैं गोल्डन ने। दीदी प्लीज यार वाली क्लिप काट देना कि यार देखो हमारे, हमने पानी भी नहीं पूछा। सब इसमें आएगा भाई, पानी भी नहीं पूछा होता तूने तूने रिवाइज कर दिया था, दोबारा बोल दिया। ये तो दूर दूर जाएगा, ये तो दूर दूर तक जाएगा। तो गाइस मैं चाय छानने जा रहा हूँ अपनी दीदी जी के लिए, बुआ भी गार्ड पड़ेगी जब तक मजा नहीं आएगा। बुआ का अलग से ब्लॉग भेजूंगी वाला। तो गाइस गाइस ये बुला लेते हैं, और फिर उसके बाद हमारे साथ ही बाद में लग जाता, फिर कहती थी आप ही लोगों से तो बात कर रहा था मैं। यही तो ट्रिप है दी, इसी में तो मजे हैं। बोले गए हैं दोनों फाइनली, अभी लास्ट में ये लास्ट है, और ये मैंने बना दिए अपने दीदी जी के लिए एकदम मस्त से पकौड़े,
प्याज के पकौड़े अलग, आलू के अलग। सबको पता चल जाना चाहिए कि आकाश की रेसिपी कितनी मस्त होती है। तो ये देखो ये बना दिया है, और यहाँ पर पहले ही इतना लगा दिया सुचेता ने, और अब आकाश की बन रही है। स्पेशल बनाएगा अब, अगर डेढ़ टाइम में ठेला लगाने वाला एकदम छोटा सा स्टार्टअप करूंगा चाय और पकौड़ों का। और भाई साहब पहाड़ में जाके ना सब है क्या, पहाड़ में जाके सीधे पहाड़, सीधे हाँ सीधे पहाड़ों भाई। वैसे ही मेरा मसूरी में तो दिल रह गया। अभी इतनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं लोग, अभी एक घंटा प्रॉपर उन्हें आए हुए नहीं हुआ है, और निकलने के लिए रेडी हो गए। एक घंटा नहीं हुआ, हम 9:30 बजे आए, 10 बजे आए हो, और एक घंटा हुआ है। चलो 10 बजे आए थे तो ये 11:10 मिनट हो गए, तो एक घंटा 10 मिनट हमने पूरे स्पेंड किया है यहाँ पर। अगर आज अगर नींद का लंच नहीं होता तो तुम्हारे यहीं होता। प्लान करके आप पहले से आए हो, ठीक है? अभी तेरी लोग वापिस आ गए आज भाई, बहुत जगह शिफ्ट है पता है, देखो यहाँ की शिफ्ट खत्म हुई है, अभी हमें सेकंड शिफ्ट लगानी है हेमू के घर जाके, फिर वहाँ से जाना है नीतू के घर, फिर शाम का पता नहीं कहाँ से इनविटेशन आया था। शाम को यही आ जाना, डिनर बनाते हैं। कैसे झूठे लोग हैं, मजा आया फिर भी कह रहे हैं एक घंटे में निकल रहे हैं, टाइम गिन रहे हैं एक घंटा हो गया। हमें तभी हमें अपना सोफा लगा दो। पहले कह रहा था जब फ्लैट ले लोगे तब आऊंगा, भाई मैं कह रहा हूं नेक्स्ट टाइम क्या सोचेंगे। फिक्स करवा ले, जिस दिन लेके चले जाए सही बता रहा हूं। पहुंच गए हैं, मैं और लाला लाला आते हैं, इधर वॉशरूम के अंदर घुस गया, हाथ धो रहा पता नहीं क्या कर रहा है। और ये देखो हमारे बच्चे को देखो, यहां पर शिवाय को देखो, यहाँ पर ये बात सुनते सुनते सो गया है, ये देखो कितने आराम से नींद आ गई है। तो गाइस अपने घर आ गए थे हिमू के घर से, अब जा रहे हैं नीतू के वहाँ, उसने लंच के लिए बुलाया लाला को और मुझे, तो अब हम दोनों जा रहे हैं वहाँ। की छिट धूप रखी है, बहुत हाल खराब है बाहर के। घर पहुंच गए हैं और यहाँ डोरा डुग्गू कोई नहीं दिख रहा है, पूरा खाली है। और ये देखो यहाँ पर फिश, यार कितनी मस्त लग रही है, और ये कितना अच्छा लगा रखा है, ये कितना प्यारा लग रहा है, जो बीच में ये फिशमैन जो लगा रखा है। पर उसकी ना पोजीशन गड़बड़ हो गई पता है। ये आ गए देखो, ये आ गए सब आ गए, अब तबीयत ठीक हो गई, स्कूल तो गए नहीं। मैं ठीक हो गया होगा, स्कूल का टाइम खत्म हो गया ना, तो तेरा तबीयत तो ठीक होना ही है। क्यानू भी आ गया, अब तो डोरा को बोलना ही छोड़ दिया मैंने। मैं वो जान बुझ के नहीं कर रही, नहीं तो वैसे वो अब करती है, वैसे अब अच्छी लड़की बन गई है। जो कुछ तबीयत ठीक हो गया तुम्हारा, अब हो ही जाएगा, अब स्कूल टाइम ओवर हो गया है, तुम तो चालू हो, कल स्कूल जाओगे। हाँ लाखी लोगे, लाखी कहाँ से लोगे, दुकान से। चालू हो गया है, और अमित के पेशेंट आ गए हैं, बीच में खाना छोड़ के जाना पड़ा। ये देखो क्यानू को देखो, पहुंच गए हैं। और लाला का यहाँ चल रहा था अपना काम, तो अभी ये काम कर रहे हैं, और मैं भी अब देखती हूँ कल के लिए तैयारी करती हूँ, कल निकलना है हमें बुआ के घर। बंधन की तैयारियाँ चालू हो गई है, ये देखो मेरा ये ब्लाउज़ हो गया है टाइट, तो मैं इसको कर रही हूँ ढीला थोड़ा सा, तो अब इसकी सिलाई खोलती हूँ और इसे फिर अपनी फिटिंग का करती हूँ। मशीन मैंने ठीक कर दिया, तेल डाल के रख दिया था कल, तो आज काफ़ी बेटर है पहले से, तो मेरा काम हो जाएगा। रेडी हो गया है, जितना भी ढीला करना था मैंने ये खोल दिया है, और हो गया है। एक पैंट भी है जो मेरे को फिट करनी थी, फिट में से थोड़ी सी मेरे को लंबी हो रही है, तो मैं इसको फोल्ड करके ऐसे यहाँ सिलाई मार रही हूँ, और फिर इसे कट कर दूँगी, तो ये नीचे से सही आ जाएगी, मेरा जैसा डिज़ाइन है वैसा ही रहेगा नीचे। तो अभी बनाती हूँ और फिर उसके बाद दिखाती हूँ। तो गाइज़ मेरी इस पैंट की लेंथ लंबी थी, तो मैंने क्या करा ऐसे फोल्ड कर ली पहले पैंट, जितनी भी मुझे चाहिए जितनी छोटी करनी है, तो मेरे को 1 इंच के बराबर छोटी करनी थी, तो मैंने ऐसे ले लिया और फिर यहीं से सिलाई मार दी, और ऐसे करके अब ये ऐसे आ जाएगी, और लगेगा भी नहीं मैंने इसमें कुछ जॉइंट करा या कुछ, तो मेरा डिज़ाइन एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। जैसे अभी दिखाती हूँ, जैसे मेरा पहले ये ऐसे डिज़ाइन था, अब मैंने इसे छोटा करके ऐसे कर दिया है, और अभी मैं इसे कट कर दूंगी यहाँ से, जैसे ही ये कट हो जाएगा फिर
फिर ये मेरा डिज़ाइन मुझे ऐसे मिल जाएगा। सारा काम हो गया, अब जा रहे हैं सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए और देखते हैं क्या क्या लाएंगे वहाँ से। राखी भी लेके आ गए और संजय जाएंगे, संजय शायद आ गया है, हिमू भी आ गई है। हाँ जी बोलो जी, घर पहुंच गई हूँ, सारी सब्जी मैंने फ्रिज में लगा दिया धोके और अब करते हैं चाय पानी की व्यवस्था, मतलब नाश्ते की तैयारी। तो बढ़िया ऑफिस से आया और भावना ने चाय पानी बनाई थी, चाय पानी पी मैंने मस्त होके। आज बनाए थे जवे, वो जो दिखाना शूट करना भूल गया था, तो अब करता हूँ इस ब्लॉग का एडिट में, टाइम हो गया है। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड। अगर ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो आपके अपने चैनल बैक टू पहाड़ को सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपना प्यार अपना सपोर्ट देते रहिए आपके अपने भाई दीपू भाई को। तो तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड, जय हिंद।